सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर और रेक्स सेंटर सदर के सीनियर नायब सदर मारूफ कारोबारी शख्सियत इकबाल हुसैन बोलान के साहबजादे के तकरीब वलीमा और कारोबारी शख्सियत और जिंदगी के मुख्तलिफ शोबा आए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक सदर अलायंस ऑफ मार्केट एसोसिएशन के नायब सदर और रेक्स सेंटर सदर के सीनियर नायब सदर मारूफ कारोबारी शख्सियत इकबाल हुसैन बोलान के साहबजादे नजम हुसैन की शादी अरिबा सिद्दीकी से अंजाम पाई। देखिए इकबाल बोलान के बेटे का वलीमा है माशाल्लाह। इकबाल बोलान साहब रेक्स सेंटर के भी बड़े हैं और सदर अलायंस में भी बड़े हैं। इनका नाम इतना बड़ा शरीफ आदमी है, कारोबारी आदमी है और बड़ी खुशी हो रही है, बड़ी पब्लिक मौजूद है और पता चल रहा है कि इकबाल बोलान के माशाल्लाह ताल्लुकात अच्छे और बहुत रहमदिल और मिलनसार आदमी है और आधी रात को जवाब देने वाले आदमी, कोई भी प्रोग्राम होता है उसका जवाब देते, रिप्लाई करते हैं। इनकी मेहरबानी और पब्लिक भी बहुत सारी और तमाम पूरी ताजी बिदाजी आई हुई है इकबाल मौलान के प्रोग्राम के बेटे का वली के हुए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम और खुशी महसूस हो रही है कि ऐसा आदमी पता चल जाएगा कि आदमी कौन आदमी है। इनकी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माशाल्लाह आज हमारे रेक्स शॉपिंग सेंटर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इलिया इकबाल बोलान साहब के साहबजादे का वलीमा है और जिसमें शहर की तमाम मुमताज़ शख्सियात शिरकत कर रही हैं और इनके इस वलीमे में ताजिर बरादरी भरपूर अंदाज में शरीक हुई है और माशाल्लाह इनका एक नाम है कराची में NC 87 के नाम से। इनके ब्रांड जो है मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोरों पर जो है फरोख किए जाते हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बड़े एहतमाम के साथ जो है यहाँ अपने बेटे का वलीमा किया है जिसमें हम सब तमाम ताजिर बरादरी यहाँ शरीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद एहसान गुजर, सदर कराची मोटरसाइकिल डीलर एसोसिएशन। आज माशाल्लाह इकबाल बोलान भाई के साहबजादे का वलीमा है जिसमें तमाम ताजिर बरादरी के लोग शिरकत कर रहे हैं और मैं देख रहा हूँ यहाँ कराची की तमाम ताजिर बरादरी जो है वो यहाँ पर शरीक है और हमारी दुआएं इनके साथ हैं कि अल्लाह ताला इनको, इनके साहबजादे को लंबी सेहत अदा फरमाए और बच्चे को खुशियाँ देखना नसीब फरमाए। बड़ी खुशी हुई आज इकबाल बोलान साहब की बेटे के वलीमे पे हम सब ताजिर बरादरान आए हुए और माशाल्लाह बहुत खुशी की माहौल है और सब यहाँ पे बड़े खुश हैं और अल्लाह इनको अच्छे से तौफीक अता करे और बड़ी बड़ी मेहरबानी नवाजिश। थैंक्स लॉट भाई। मसला ये कि हमारा ये पुराना 40 साल पुराना दोस्त है और हम एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड रहे हैं और बिल्कुल बहुत ही मुश्किल हालात में हमने एक दूसरे का साथ दिया है और आज मैं उसके बेटे की शादी में आया हूं, मुझे बहुत खुशी हुई है और यहां पर बहुत सारे पुराने दोस्तों से मिली है और इसकी अपनी खुद की शादी में भी शरीक हुआ था। आज उसके बेटे की शादी में हूं, इसके भाई की शादी में शरीक हुआ था तो तकरीबन हम फैमिली फ्रेंड हैं और पुराने अरसे से जो है ना वो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। आज माशाल्लाह इकबाल भाई के बेटे की शादी है तो हम लोग खास तौर पर यहाँ सेलिब्रेट के लिए आए हैं। साईं हमारे शर साहब जो है सुप्रीम कोर्ट के हमारे सिंध के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, पाकिस्तान बार काउंसिल के मेंबर हैं तो ये खसूसी तौर पे तशरीफ लाए हैं और बाकी भी दोस्त आए हैं तो हम खास तौर पर इकबाल भाई आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। साईं को खास तौर पर शुक्रिया कि इतनी दूर माशाल्लाह तशरीफ लाए हैं, हमारे इतने अच्छे दोस्त हैं। नई मंजिल के लिए इनका परवरदिगार आलम ने चुनाव किया है और उम्मीद ये करते हैं कि ये अपने किरदार से अपनी सलाहियतों से एक अच्छे खानदान को अपने साथ जमा करेंगे और एक मिसाली जिंदगी का आगाज करेंगे जिससे एहसास होगा कि शरीयत मोहम्मदी पर चलने वाले लोग कैसे होते हैं और एक ऐसे मुसलमान माशरे के अंदर कि जहां औरत का जहां तकद्दस होता है, शौहर के जिम्मेदारियां क्या होती हैं, खानदान की जिम्मेदारियां क्या होती हैं और इसी तरीके से लोगों को अपने दरमियान एक गुलदस्ता बनाने का मौका फराहम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, इनके लिए दुआ करता हूं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। असल में ये मेरा बेटा है, मेरा बड़ा बेटा है, ये मतलब ये पहला मेरा बेटा इसकी शादी में है और मैं सबसे पहले तो अपने तमाम मेहमान मौजूद मेहमान ग्रामी को शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी दावत पर यहाँ पर शिरकत की मतलब। और उसके बाद मैं मतलब ये कि जो खसूस तौर पर इलियास भाई के, समद भाई का और जितने ताजे बरादरी लोगों ने शिरकत की मतलब दिस फलूजी से उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरे दोस्त अहबाब हैं मतलब ये कि शब्बीर शेर साहब सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, सक्कर से हैं, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लाहौर से कुछ फैमिलीज आई है उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। नासिर रिजवान एडवोकेट साहब हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ आए।
मैं अपने तमाम मेहमान ग्रामी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मतलब ये कि यहाँ पे शिकायत करके मेरी हौसला अफजाई की। मतलब वलीमे में सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स एसोसिएशन और तारिक रोड ट्रेड अलायंस के सदर इलियास मेमन, एडवोकेट हाई कोर्ट शबीर शर एडवोकेट और सुप्रीम कोर्ट के रिजवान नासिर, डॉक्टर लियाकत नजीर अहमद खासरेली सदर अलायंस ऑफ मार्केट्स के नायब सदर अब्दुल समद खान, जुबैर सिद्दीकी, राशिद सिद्दीकी, अहमद तरीन, मोहम्मद शुएब और दीगर ने शिरकत की। अमजद इकबाल, मेट्रो 7 पाकिस्तान। हुजूर सैयदना सैयद गुलाम नबी शाह अल मारूफ समंदर वाली सरकार समंदरी बाबा का 31वां सालाना उर्स अल्हम्दुलिल्लाह दिसंबर की 5-6-7 बरोस पीर मंगल बुध को शायाना शान तरीके से दरबार सरापा अकदस समंदर वाली सरकार समंदरी बाबा डिस्ट्रिक्ट मलिर बिन कासिम सोन यूसी घग्गर दरबार शरीफ पे इंशाल्लाह मुनक्किद किया जाएगा। तमाम जायरीन से, मुरीदीन से, मोतकिदीन से शिरकत की इस्तदा है। साहबजादा सैयद जौहर मजीद शाह। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।